मुझे आपने 2024 के इस बजट में अपने विचार रखने का अवसर दिया है और साथ ही मंडी क्षेत्र की जनता जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर यहाँ उनके पक्ष की बात रखने का मौका दिया है, उनकी भी आभारी हूँ। ये जगह मेरे लिए बहुत नई है, मैं एक नई सांसद हूँ, मगर मुझे इस बात का आभास है कि ये जो 18वीं लोकसभा है ये कोई सामान्य लोकसभा नहीं है। इस लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर पिछले 60 सालों का जो रिकॉर्ड तोड़ा है उसके लिए हम सब उन्हें जो है वो हार्दिक बधाई देते हैं। साथ ही बधाई के पात्र हैं हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं ये भी मानती हूँ कि हमारे भारतवर्ष की जनता जिन्होंने एक स्थिर, सहज और सफल सरकार को चुना है और एक संकल्प को चुना है वो भी बधाई के पात्र हैं। महोदय जी, हम सब जानते हैं कि आज से 10 साल पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल था। आज से 10 साल पहले हमारी संघर्षशील जो एक चरमराती और एक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था जो कहीं 11वें-12वें नंबर पर थी और सारा देश जो है उसको लेकर चिंतित रहता था, पिछले 10 सालों में वो अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पे आई है और बहुत तीव्रता से जो है तीसरे नंबर की तरफ जा रही है। ये जो 2024 का बजट है ये सब वर्गों को जो है वो शक्ति प्रदान करने वाला बजट है। इस बजट से जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था को भी तीव्रता मिलेगी महोदय जी, और जो हमारा 2047 का जो संकल्प है कि विकसित भारत का जो संकल्प है, हम प्रथम इकोनॉमी बनेंगे, वो भी इस बजट से हम पूरी उम्मीद है एक कदम हम उस संकल्प के जो है वो करीब जाएंगे। महोदय जी, पिछले साल हमारे हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संकट आया, एक बहुत बड़ी बाढ़ आई जिससे ना जाने कितने जन धन पशु जमीन की हमारे लोगों को जो है वो हानि हो गई। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी हमारा हिमाचल प्रदेश जो है उस त्रासदी के प्रभाव से जो है उसके प्रभाव से उसकी हानि से बाहर नहीं आ पा रहा है और उसका जो मूल कारण है वो है वहाँ की जो कांग्रेस की सरकार है, उनका जो लापरवाही है और उनकी जो भ्रष्टाचार नीतियां हैं, आज भी हमारे लोग जो हैं उस बाढ़ के प्रभाव से जो पीड़ित हैं। मैं आदरणीय और माननीय हमारी जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती सीतारमण जी का मैं आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने हमारी हिमाचल की जनता के लिए जो है एक स्पेशल रिलीफ फंड की जो घोषणा की है। हम सब हिमाचल वासियों की तरफ से हम आपका अभिनंदन करते हैं और हम आपका आभार प्रकट करते हैं। महोदय जी, मुझे ये जान के और आपको बताकर इस बात की खुशी भी होती है और खेद भी होता है कि जितना काम पिछले 10 वर्षों में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में किया है वो उतना काम हमारे आज़ादी के बाद 60 सालों में भी हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ था। आप सब हिमाचल जाते रहे आप सब हिमाचल जाते रहे होंगे और आप सब ने देखा होगा कि वहाँ पर जो है आज से आज़ादी के 60 साल तक सिर्फ कुछ रोड्स बने थे और वो भी हमारे माननीय जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में जो है वो ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत वो रोड बनाए थे। लेकिन पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमारे क्षेत्र को जो है एम्स, IIIT, IIM जैसे वैश्विक स्तर के जो है वो संस्थान दिए हैं और वंदे भारत जैसी ट्रेन को हमारे हिमाचल में पहुंचाया है। हमारे हिमाचल जैसे छोटे से राज्य को 3,500 करोड़ की लागत का मनाली कीर्तपुर जो है वो हाईवे दिया हुआ है, जिसमें माननीय मोदी जी 5 से ज़्यादा टनल हैं और 37 से ज़्यादा उसमें ब्रिजेज हैं। ऐसे वैश्विक स्तर की जो है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर मिली है और
साथ ही पूरे देश के लिए जो एक बहुत ही अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर मार्बल है, जैसे कि हमारी अटल टनल, 9 किलोमीटर की जो वो अटल टनल है, विश्व की सबसे लंबी टनल है, और वो एक सिंगल ट्यूब हाईवे जो है वो पूरे विश्व के लिए जो है एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और उसके साथ ही 11,000 करोड़ के हाइडल प्रोजेक्ट्स हमारे हिमाचल प्रदेश को दिए हैं। अगर मैं ये सूची यहाँ पे रखूँ तो शायद आप लोगों का बहुत वक्त जो है इसमें लग जाए, लेकिन लाखों लाभार्थी जो है वो चाहे मुफ्त राशन हो, चाहे पीएम की जो है वो मकान हो या आयुष्मान हो, हमारा हिमाचल प्रदेश एक ऐसे राज्य है जो पूरी तरह से शौच फ्री है, और वहाँ घर घर में जो है वो गैस चूल्हे का कनेक्शन लगा है। एक भी माता, एक भी बहन गैस चूल्हे के कनेक्शन के बिना नहीं है। और मेरा ये जो सौभाग्य है 18वीं लोकसभा में, महोदय जी, मेरा ये सौभाग्य है कि जब मैं यहाँ पे आई थी तब महिला आरक्षण बिल, जो राजनीति में महिलाओं को जो है 33% आरक्षण देता है, वो बिल भी पारित हुआ था। तो मेरे लिए बड़ी ही ये सौभाग्यशाली जो है 18वीं जो लोकसभा है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो बिल है ये अवश्य ही एम्प्लॉयमेंट हो या चाहे स्टार्टअप इनोवेशंस हो, चाहे हमारे गरीब और मिडिल क्लास को टैक्स रिलैक्सेशन हो या हमारे जो अन्नदाता किसान हो उन पे फोकस हो, ये मैं इसे होलसम बजट कहती हूँ। और मेरी एक प्रार्थना रहेगी हमारे सरकार से कि हमारे मंडी क्षेत्र में अगर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो तो अवश्य ही हमारी जनता का टूरिज्म की दृष्टि से बहुत कल्याण होगा, वो हमें ज़रूर इस विषय में सोचें। और मुझे लगता है ये जो बजट है, हम हिमाचल के वासी जो हैं इसका पूरी तरीके से जो है वो वेलकम करते हैं, और धन्यवाद। இது போன்று முக்கிய நிகழ்வுகள், அரசியல் தகவல்களை ஆழமாகவும் மாறுபட்ட கோணத்திலும் அறிந்து கொள்ள மறக்காமல் உங்கள் ஐஎன்டி தமிழ் 24x7 பக்கத்தை பின்பற்றிக் கொள்ளவும். உங்கள் ஒவ்வொரு ஆதரவும் இதுபோன்று பல நிகழ்வுகளின் பின்னணியை அறிய உதவும்.